गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 15 दिसंबर। आज है हम अपने मामू के घर और आज शादी है इसलिए वहाँ पर आए थे आए हैं और मैं बाकी सब तो तैयार हो गए हूँ, बस मेरी पाग बांधने वाली रहती है वो आज जब मैं खुद नहीं बांधूंगा, आज मैं कहीं जाऊंगा बनाने के लिए। वहाँ पर दही चढ़ाने की रस्म चल रही है और मैं आपको दिखाता हूँ कैसी चल रही है। और कल हम शॉपिंग कर कर ये कपड़े लेकर आए थे और शूज भी लेकर आए थे जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। हाँ दोस्तों, अब मैं अच्छे से पूरे तरीके से तैयार हो गया हूँ और शादी भी शुरू हो गई है और उधर ढोल बज रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ उधर क्या प्रोग्राम हो रहा है। तो हम दोस्तों शादी वाली डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। अब वहां पर मिलनी की रस्म हो रही है और मुझे वो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं यहां पर आ गया हूं। आपको मैं दिखा देता हूं एक बार मिलनी की रस्म कैसी हो रही है। हाँ दोस्तों, अब शादी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम खाना खा रहे हैं और अभी तो मैं ये सब खा रहा हूँ और बाकी जो पकौड़े हैं वो मैं बाद में खाऊँगा, मतलब इसके बाद ही अभी जाकर। बस मैं सोच रहा था कि आपको बता दूँ कहाँ तक पहुँचे। शादी अभी कंप्लीट हो चुकी है, फेरे भी हो चुके हैं और सब कुछ हो गया है। बस अब हमें खाना खा कर घर जाना है। दोस्तों मैंने पकौड़े खा लिए हैं, चाय भी खा ली है। मत कर भाई, मैंने पकौड़े खा लिए हैं और बाकी सब भी खा लिया है और मैं कॉफी पी रहा हूँ। मत कर, फिर कॉफी पीने के बाद हम जाएंगे कहीं और फिर आपको वहाँ पर सीधा जाकर मिलते हैं। और दोस्तों अब शादी पूरी खत्म हो गई है, अब हम गुरुद्वारे के अंदर जाने वाले हैं और मैं आपको मिलता हूँ अंदर जाकर। तो मैं आपको गुरुद्वारा भी दिखा देता हूँ, ये बहुत अच्छा गुरुद्वारा है। और अभी मैं पीछे करता हूँ, हम अब गुरुद्वारा अंडीठा साहिब में है। मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, अंदर तो फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है। और ये गुरुद्वारे के गेट ऑटोमेटिक हैं, खुद ब खुद ही खुल जाते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम घर आ गए हैं, अभी घर आए हैं और लगता है वो पीछे जो मेन कपल है वो भी आ गए हैं और अब ढोल बजने लग गए हैं और बाहर जाके मैं पकड़ा पाऊंगा और फिर उसकी वीडियो अगर हो सके तो बनाने की कोशिश करूंगा पर मैं आपको पक्का नहीं कह सकता। चलो अब मैं मिलता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी
10 बज चुके हैं और अभी हम ऊपर से पंगड़ा पा के आए हैं। और भाई अभी बाकी सब तो अभी भी ऊपर ही हैं, अभी भी नाच रहे हैं और वो पता नहीं कितनी देर तक और नाचते रहेंगे। पर अब मैं वीडियो एडिट कर सो जाऊंगा क्योंकि कल सुबह भी पार्टी है, वहाँ पर भी जाना है। और सोने से पहले मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगा और उसके बाद हम फिर सब भाई भाई मिलकर माइनक्राफ्ट खेलेंगे। हाँ, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डेट 16 दिसंबर और आज है शादी का दूसरा दिन और आज घर पर ही पार्टी है और आज तो कल से भी ज़्यादा मज़ा आएगा, वो मुझे पता नहीं क्यों आएगा। हाँ दोस्तों, मेरे ब्लॉग बीच में पहले कोई आ गया था इसलिए मुझे बंद करना पड़ा था। मैं दोबारा से तो नहीं शुरू कर रहा, बस बता रहा हूँ आपको आज ब्लॉग का दूसरा दिन है और आज भी शादी है, आज पार्टी है घर पर। मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी प्रेपरेशन चल रही है। सब दोस्तों पौने 12 हो चुकी हैं, मैं बस यहाँ पर बैठा हूँ और काम देख रहा हूँ उनका, देख आ रहा हूँ पत्ता। मैं पूरा बहुत बड़ा पत्ता था, सारा खा लिया, थोड़ा सा रह गया। और अभी यहाँ पर काम हो रहा है, हलवाइयों को मैं दिखा देता हूँ। पहले आप देख सकते हैं ऊपर तंबू नहीं लगा था, अब लगा दिया है। कह रहे थे हमें धूप लग रही है इसलिए, पर काम बाकी सब चल ही रहा है। और इधर तंदूर भी लग चुके हैं, तो ऊपर भी तैयारी हो गई है सब। मैं आपको एक बार ऊपर जाकर दिखा देता हूँ कैसी तैयारी हुई है। आप देख सकते हैं ऊपर से कुछ ऐसा लग रहा है सारा, देखो कितनी अच्छी तैयारी की है। और इधर भी सारा काम हो गया, इधर यहाँ पर सलाद काट रहे हैं, देखो कितनी अच्छी सजावट की गई है यहाँ पर छत के ऊपर ही। यहाँ पर कल रात हम भंगड़ा पा रहे थे। कैसे हैं दोस्तों? हाँ दोस्तों, अब 2 बज चुकी हैं पर पार्टी शुरू हो चुकी है ऊपर, आप देख सकते हैं। और मैं भी तैयार हो चुका हूँ पूरा, आप देख सकते हैं मैं ऐसा लग रहा हूँ। और मैं अपनी फ़ोटो वैसे इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूँगा खींच के, इसलिए अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पर अभी मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लो। इसकी आईडी IM_Herman75। और उसके बाद मैं आपको ऊपर जाकर दिखा देता हूँ। ऊपर बहुत भीड़ है इसलिए मुझे थोड़ा शूट करने में सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं नीचे आकर ये वीडियो बना रहा था। अब मैं ऊपर जाऊँगा, फिर ऊपर जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। पर मैं बोलूँगा नहीं कुछ, आप खुद ही देख लेना क्या क्या है सामान, बस मैं वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों मैं फिर से साइड पे आ गया हूँ क्योंकि मैंने बस आपको ये बताना था मैं टिक्की खा रहा हूँ। ये पता है ऐसे बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी बताना तो पड़ता है ना क्योंकि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ घर कितना अच्छा डेकोरेट किया है उन्होंने शादी के लिए, मेरे मामू ने, मतलब उन्होंने खुद नहीं किया, उन्होंने किसी से करवाया होगा। चलो मैं दिखा देता हूँ। हाँ दोस्तों, हम अब रोटी खाने का टाइम हो गया, रोटी लग गई है तो मैं जाकर अब रोटी खाऊंगा। मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या है रोटी में। हाँ दोस्तों, मैंने खाना भी खा लिया है और सारी शादी भी हो गई है और अभी कुछ लोग आए यहाँ पर ही इन्होंने टेंट उतारना शुरू कर दिया है अभी, और इससे पता चलता है कि टाइम खत्म हो रहा है। कपड़ा करने वाले हैं जो कि आपको वैसे तो पता होगा, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी रस्म हो रही है। बैठ के